Today we have gathered to celebrate the 50th golden marriage anniversary of her parents, aur aap sabke Abdul Aziz, Masood and Nishad Kasmi. वो आ गए संभल संभल के, वो आ गए संभल संभल के, नजारा बेखुद फिजा जवा है, झुकी झुकी हैं नशीली आंखें, झुकी झुकी हैं नशीली आंखें, रुका रुका दौरे आसमां है। प्लीज वेलकम अ वंडरफुल कपल मसूद एंड निशाद। द 50th वेडिंग एनिवर्सरी इज अ ब्यूटीफुल माइलस्टोन दैट अ कपल gets to achieve. God bless you together these 50 years. Memories of much love, full of laughter and tears. Children and grandchildren, family and friends. A love for each other, a love without end. Wishing you both a very, very happy anniversary from all of us present here. So before we dive into their memories, let us introduce you to the stars of the evening. मसूद एंड निशाद कज़मी। चलिए पहले मम्मी से स्टार्ट करते हैं। नेचर में मम्मी और डैडी काफी हद तक कंट्रास्ट भी हैं, लेकिन काफी हद तक एक जैसे नेचर के भी हैं। अब डैडी अगर थोड़ा स्ट्रिक्ट खासतौर से बचपने में, तो मम्मी सॉफ्ट और लविंग केयरिंग। जब डांट पड़ती थी डैडी से बचाने के लिए मम्मी आती थी। मम्मी का नेचर एक आर्टिस्टिक नेचर हमेशा से रहा है। ड्राइंग, पेंटिंग, रंगोली कॉम्पिटिशन, यहाँ एफआरए में जो लोग रहे हैं आप लोग वाकिफ हैं कि कितना इंटरेस्ट मम्मी का था उन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने में, नहीं बल्कि जो हमेशा वो टॉप पे रहती थी और कितने अवार्ड्स उन लोगों ने यहाँ पे जीते हैं मम्मी ने। आर्टिस्टिक नेचर की बात करें, कुकिंग एक स्पेशल आर्ट है और मम्मी का कुकिंग में बहुत जबरदस्त अब क्या कहें। अभी मैं कुछ दिनों पहले अपने दोस्त से बात कर रहा था, उससे 30 साल बाद करीब मेरी बात हुई। हॉस्टल का रूममेट था मेरा, तो वो उसने एक बात कही कि जो तुम्हारी मम्मी है वो उस टाइम पे अमरूद की जेली बनाया करती थी, तो क्या वो अब भी बनाती है? मतलब 30 साल बाद भी उसके मेमोरीज में वो अमरूद की जेली अभी तक बिल्कुल फ्रेश नहीं। अच्छा, कंट्रास्ट की बात करें तो सिमिलर नेचर की बात करें, मम्मी और डैडी दोनों ही सोशल इंटरेक्शन में, पब्लिक स्पीकिंग में बेहद इंटरेस्ट रखते हैं हमेशा से। लोगों से बहुत, मतलब हम लोग तो क्या कहेंगे, लेकिन जितने सोशल डैडी मम्मी हैं बहुत कम लोग देखे हमने मिलने मिलाने में सबसे। और पब्लिक स्पीकिंग में हम लोग तो स्टेज पे आकर के हार्ट बीट बढ़ जाती है हम लोगों की, लेकिन मम्मी और डैडी दोनों ही इस चीज में बहुत एक्सपीरियंस और बहुत एंजॉय करते हैं उस चीज को। तो आई थिंक वो समराइज करता है मम्मी और डैडी के बारे में कुछ मेरे थॉट्स। नाउ लेट्स कम्स टू इंट्रोड्यूसिंग डैडी, दैट इज सैयद मसूद हुसैन काज़मी, स्पोर्ट्समैन बाय हार्ट हु फॉलोड हिज पैशन एंड फाइनली डिड अ जॉब ही लव्ड, sports officer at Indira Gandhi National Forest Academy. Name a game and bang on, he is winning it. Badminton, tennis, table tennis, football, cricket, and the list goes on. We have seen a father getting up in chilling winters at dawn and going for PT, or in hot summers playing games during Ramzan. A very affectionate and dedicated father who taught us to be independent, disciplined and grateful to Allah. I really miss his yellow Libretta. हमारी कुछ बहुत हसीन यादें, बहुत खूबसूरत यादें उस येलो स्कूटर से वाबस्ता है। उन्होंने हमको सब दिया, मोहब्बत, शफकत, इज्जत। स्ट्रिक्ट भी थे पर उतने ही लविंग भी। मेरे लिए समोसे जलेबी लाना या बच्चों को शेर की कहानी सुनाना, मंकी फेस बनाना या सर पे हाथ रख के अपने होने का एहसास दिलाना, सबके दिल में जगह बनाना और यू ही मुस्कुराना। डैडी वी आर सो प्राउड, डैडी मम्मी बोथ ऑफ यू, वी आर सो प्राउड टू हैव यू एज पेरेंट्स। एंड वन थिंग आई मस्ट ऐड, एज अ हस्बैंड, ही हैज ऑलवेज स्टूड बाय माय मदर
and always praised her and encouraged her for every little and big achievement. And one more thing, he's a very romantic husband as well. Rather, a young generation should take lessons from him. अच्छा, इस मौके पे कुछ देहरादून के बारे में कुछ अल्फाज होते हैं, खासतौर से आप लोगों के लिए जो देहरादून के बाहर से आए हैं इस फंक्शन के लिए। देहरादून पहाड़ों से घिरा एक बहुत खूबसूरत शहर है। लोग कहते हैं कि पर्वत से निकलकर चश्मे दूर खोई हुई वादी की तरफ बहते हैं और हवा सरे शाम उनके लिए चलती है जिनके महबूब बहुत दूर कहीं रहते हैं। पर यहाँ तो महबूब भी साथ है और देहरादून भी, सो द डिसीजन टू सेटल इन देहरादून वाज डेस्टिनेड। Now it's time to go down the memory lane. With the blessings of Allah, they got each other on 30th June 1972. And today on 30th June 2022, both of you look back with happiness and pride upon those 50 cherished years of love, commitment, companionship and eternal bond of love, so pious, so pure, so strong. So let's see the journey of 50 years through this video.
करना चाहता हूँ कि
मोहनी मूर्ति है जनता की, मोहनी एक ताजा वरक है सोने का, तेरे मुखड़े की तू क्या कहिए। और तू अगर है चनाब का दरिया, सोनी का घड़ा है मेरा वजूद, इस धरती से बड़ा है मगर इससे भी बड़ा है तेरा वजूद। तू अगर वक्त में समा जाए, हर सजा पर बाहर आ जाए। बहुत शुक्रिया। रैली के बाद अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपनी प्यारी मम्मी को कि वो आए और अपने ख्याल लोगों के सामने पेश करें। मम्मी, मजलिस खवातीनों हजरात, आप सबकी खिदमत में निशात काजमी का आदाब, नमस्ते। आखिर वो घड़ी, वो हसीन शाम, खूबसूरत शाम आ ही गई जिसका हम बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। आप सब हमारी इस महफिल में आए और आपकी शिरकत ने इस महफिल को और ज्यादा रोशन बना दिया। ये महफिल जिसे हमने अपने हम सफर के लिए रखी है, वो हम सफर जिसके दम से जिंदगी पर है बहारे जिंदगी। इस वक्त मैं जानती हूं हर दिल की धड़कन ये कह रही है, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दौर के पास। हाजिर रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। बहार हो, गुलस्ता हो, फूल हो और माली हो, और माली ने यूं ही फूलों के हार बुनती रहे, लेकिन बार बार मुझे जरा दिल ये कहता है, खुशी की बज़्म है कोई तो एहतमाम करे, खुशी की बज़्म है कोई तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम कर। खुशी की बज़्म है कोई तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। हाजरीन, ये कहानी, ये फसाना, ये नॉवेल, ये फिल्म कोई दो चार दिनों की नहीं है, ना ही दो चार महीनों की, ना ही दो चार वर्षों की, बल्कि ये 50 बरस की कहानी है। ये 50 बरस में जो हसीन लम्हा, जो खूबसूरत पल आए, और वो हमारे दिलो दिमाग से स्क्रीन पर आज भी महफूज है। जब जरा गर्दन निकाली, देख ली तस्वीरें यार, तो ये 50 साल के जो वाकयात हैं, जो हसीन पल हैं, वो एक फिल्म की तरह से हमारे दिलो दिमाग पर, हमारी नजरों के सामने चलते रहते हैं, और हम आपस में उनकी उन्हीं शेयर करते हैं, बातें करते हैं, और बहुत ही लुत्फ लेते हैं। बच्चे हमारे सवाल करते हैं कि मम्मी डैडी, आप लोग इतना ज्यादा बातें कैसे कर लेते हैं? तो आज मैं उन्हें जवाब देना चाहूंगी कि बच्चों, ये दो चार दिनों की नहीं, दो चार महीनों की नहीं, दो चार वर्षों की नहीं, बल्कि 50 वर्षों की बातें हैं जो हम आपस में शेयर करते हैं, और बहुत मजा लेते हैं, और इस तरह अपनी जिंदगी को तरोताजा रखते हैं। हाजिर, ये जून सन 1972 में दो अजनबी शादी के बंधन में बने,
एक दूसरे के करीब आए, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ी और हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और बहुत एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। ये मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझे बहुत सपोर्ट करते थे और हर मौके पर मेरी हौसला अफजाई करते थे, जिसकी वजह से हमने एक एक्टिव और शानदार लाइफ गुजारी है। एक बात करना चाहूंगी कि शादी के बाद शुरू शुरू जब मैं अपने शौहर से कहती थी कि मुझे ये लेना है, तो ये बड़े प्यार से कह देते थे हाँ हाँ ये ले, चाहे भले ही वो चीज ना दिलाई हो, लेकिन उस वक्त जरूर कहते थे कि हाँ हाँ ले लेना। और आज तक 50 साल हो गए, उनकी ये आदत है कि कभी उन्होंने किसी चीज के लिए मुझे मना नहीं किया, हमेशा यही कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल ले लेना। तो इनकी ये जो चीज है मैं उसकी कदर करती हूँ। हम अपनी खुशियों में अपनी सरशार थे कि हमारे गुलशन में एक खूबसूरत गुलाब खिला 1974 में, जिसे आप मतलब तन्वीर के नाम से जानते हैं। तन्वीर यानी रोशनी प्रकाश। और इन्होंने उसे देखते ही इनकी आंखें छलक पड़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर मेरा शुक्र अदा किया। और आपको ताज्जुब होगा कि ये सिलसिला आज तक जारी है, ये बराबर मेरा शुक्रिया अदा करते रहते हैं और जब कभी भूल जाते हैं कुछ तो मैं उन्हें याद दिलाती हूँ और ये एक सांस में शुक्रिया 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 अदा करते हैं। सन 1976 में मेरे गुलशन में एक बहुत ही खूबसूरत नाजुक सी कली दोस्त यानी जन्नत, और अब तो वाकई हमारा घर जन्नत बन गया। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हमें नेमत भी दी और रहमत भी दी। और जहां तनवीर ने अपनी रोशनी से अपने नूर से इस घर को इस खानदान को रोशन और मुनव्वर किया, वहीं हमारी बेटी फिरदौस ने अपनी खुशबू से अपनी महक से इस घर और आंगन को मुअत्तर किया। हम बहुत खुश थे और मुझे हमारी कैफियत ये थी कि इस वक्त मुझे एक गाने का मुखड़ा याद आ रहा है, मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में न समाए, मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में न समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। ये बच्चे हमारी गोदियों में परवान चढ़ रहे थे, कब ये इतने बड़े हो गए हमें पता ही नहीं चला। और सिर्फ टेंथ के बाद हमने दोनों बच्चों को आगे स्टडी के लिए हमने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भेज दिया, क्योंकि उस वक्त देहरादून में 12th के बाद पढ़ाई का ज्यादा स्कोप नहीं था। तो हमारे बेटे तनवीर ने अलीगढ़ से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया और महज 21 साल की उम्र में वो सर्विस में आ गया और आज वो अमेरिकन कंपनी कैडेंस में सीनियर इंजीनियर है। और हमारी बेटी ने फिरदौस ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स किया और फिर देहरादून से उसने एमबीए किया कि एक शहजादा आ गया, एक शहजादा आ गया। और सन 2001 में हमने उस शहजादे से यानी सैयद आर्मी ऑफिसर
सैयद फराज जैदी से उसकी शादी कर दी। फराज जैदी आजकल सिकंदराबाद में कर्नल की पोस्ट पर है। इनके दो प्यारे प्यारे किड्स हैं, बेटा फैज जैदी और बेटी फिजा जैदी। अब एक बेटी को तो रुख्सत कर दिया, दूसरी बेटी भी लाना थी, तो हमें तनवीर की शादी 2003 में मंशा अख्तर से। मंशा अख्तर ने इंटीरियर डिजाइन बाय प्रोफेशन वो इंटीरियर डिजाइनर है और माशाल्लाह सोशल एक्टिविटी में बहुत सोशल वर्क में बहुत ही एक्टिव है और अपने घर को बच्चों को बहुत अच्छे से संभालते हैं। इनके भी दो तनवीर और मंशा की भी दो प्यारे प्यारे किड्स हैं, बेटा समीर समीर काजमी और बेटी सामिया काजमी। अभी इन लोगों का दो चारों बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार और टैलेंटेड हैं और अभी कुछ कुछ झलक आप इनकी देखेंगे इस प्रोग्राम में और काफ़ी कुछ बैकडोर पर भी इनका परफॉर्मेंस है जो पीछे रह के भी इन्होंने बहुत काम किया बच्चों में। तो सामने ये 50 बरस की बातें इस मुख्तसरी शाम में सागर में सागर भरना मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं इस शेर के साथ आप सबसे इजाजत चाहूंगी, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए। वो आए बस्त में इतना तो मीर ने देखा, वो आए बस्त में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा जनाब हसन राय बरेलवी साहब को, एक बड़े शायर, एक बेहतरीन आवाज के मालिक जो खास तौर से इस मौके पर रायबरेली से आए हैं और इस मौके पर उन्होंने खास नज्म लिखी है डैडी और मम्मी के लिए जो आपके सामने वो पेश करेंगे। जनाब हसन राय, से पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, नस्ल में मुझे बहुत पहले का तकरीबन 20 साल पहले का एक शुक्रिया अदा करना है जो आम तौर के ऊपर देखने में नहीं मिलता। मैं तकरीबन 20 साल पहले देहरादून आया था तो मसूद भाई के घर रुका था, मेरे मित्र भी आए थे, फिर उस थोड़े से वक्त में मिसेज मसूद ने खाना नहीं बल्कि खाने खिलाए थे और हमारे दोस्त बाद में अक्सर कहा करते थे कि साहब जो खाने वहां खाने को मिल गए उसका जवाब दें। मैं आज मोहतरमा निषाद साहिबा का उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मसूद भाई को मैं शुक्रिया अदा कर चुका हूँ और पहले कई बार इस बात कह चुका हूँ। हजरत अभी शेर व शायरी हो रही थी और शायर के सामने जब शेर व शायरी होती है तो बड़ी मुश्किल होती है बर्दाश्त करना। बहरहाल जिंदगी से मुतालिक जो मसूद भाई का नजरिया है वो मैं एक मतला और एक शेर में पेश कर रहा हूं, उसके बाद फिर अपनी काविश पेश करूंगा। मुलाजम फरमाइए। जिंदगी जिंदगी बड़ी हसीन है, जिंदगी बड़ी हसीन है, इसका यूं सिंगार कीजिए। जिंदगी बड़ी हसीन है, इसका यूं सिंगार कीजिए। हर किसी से दिल मिलाइए, हर किसी से प्यार कीजिए।
हर किसी से दिल मिलाइए, हर किसी से प्यार कीजिए। और ये नसीहत भी मसूद भाई की है, मुरादा फरमाइए कि रात से न खौफ खाइए, रात तो ये रात भर की है, रात से न खौफ खाइए, रात तो ये रात भर की है, सुबह आएगी यकीन है उसका इंतजार कीजिए, सुबह आएगी यकीन है उसका इंतजार कीजिए। हजरत पहली बार किसी की शादी की एनिवर्सरी में कुछ शेर मैंने लिखे, मैं सोचता रहा, मैं सेहरे लिख चुका हूं, सब कुछ लिख चुका हूं, कोई चीज बची नहीं जो मैंने नहीं लिखी, लेकिन इसमें क्या लिखा जाए। सेहरे में तो सबको मुबारकबाद दी जाती है, इसमें क्या लिखे। मैं ये सोचता हुआ, मुझे जियारत पे जाना था इराक, ईरान, सीरिया। तो आप यकीन करें उस माहौल में मसूद भाई दिमाग पर अक्सर सवार रहते थे जब कमरे में खाली रहता, क्या लिखूं। तो नजफ अशरफ में एक मतला हुआ, शुरुआत नजफ अशरफ से हुई, उसके बाद मैं करबला पहुंचा, दो शेर वहां हुए और दो शेर मशहद में। मशहद की खास बात जो थी वो इसमें मैंने डाली है कि जो हवाएं और जो पानी इत्तेफाक से उस दिन बरसा था, जो आज का यहां मौसम है, यहां से लिखे गए हैं, आप भी यहीं से सुनिएगा, यहां से मत सुनिएगा। बड़ा लगा आइए आपको आज बतलाए हम, आइए आपको आज बतलाए हम, जानिए तो सफर है ये कितना हसीन, आइए आपको, आइए आपको आज बतलाए हम, जानिए तो सफर है ये कितना हसीन। खट्टे मीठे ये खास लफ्ज है, दो खट्टे मीठे सफर का अजब लुत्फ है, खट्टे मीठे सफर का अजब लुत्फ है, सोचिए तो सफर है ये कितना हसीन, आइए आपको आज बतलाए हम। मुलाना फरमाइए ये हसीं वादियां ये हसी काफिले, खूबसूरत से झरने भी बहते हुए, ये हसी वादियां ये हसी काफिले, खूबसूरत से झरने भी बहते हुए, डूब कर आप इन वादियों में जरा, डूब कर आप इन वादियों में जरा, देखिए तो सफर है ये कितना हसीन,
आइए आपको आज बतलाए हम, जानिए तो खास तौर से ये शेर पेश कर रहा हूं मसूद भाई, नजर कर रहा हूं मुरादा फरमाइएगा। जाने कैसे ये लंबा सफर कट गया, चंद लम्हा में सिमटी है आधी सदी। जाने कैसे ये लंबा सफर कट गया, चंद लम्हों में सिमटी है आधी सदी। चुपके चुपके निशा और मसूद से, चुपके चुपके निशात और मसूद से, पूछिए तो सफर है ये कितना हसीन। चुपके चुपके निशात और मसूद से, पूछिए तो सफर है ये कितना हसीन। और तनवीर को नजर कर रहा हूं, शेर मुरादा फरमाइए। रंग लाई है तनवीर की कोशिशें, आज मंशा की पूरी हुई ख्वाहिशें। रंग लाई है तनवीर की कोशिशें, आज मंशा की पूरी हुई ख्वाहिशें। बैठ कर जश्न में मुस्कुराते हुए, बैठ कर जश्न में मुस्कुराते हुए, देखिए तो सफर है ये कितना हसीन। आइए आपको, और एक ये मंजर कशी मैंने की है, कल्पना है ये, जब बच्चे हुए तो जाहिर है उस वक्त उनके जहन में कुछ न रहा होगा, लेकिन आज तनवीर और मंशा और फिरदौस ने, इन लोगों ने सोचा जरूर होगा, क्या सोचा होगा वो मैं पेश कर रहा हूं। होगा पापा का सेहरा भी कितना हसीन, मेरी मम्मी का सेहरा भी कुछ कम नहीं। होगा पापा का सेहरा भी कितना हसीन, मेरी मम्मी का सेहरा भी कुछ कम नहीं। सारे मेहमानों से कह रहे हैं यही, क्या कह रहे हैं, सारे मेहमानों से कह रहे हैं यही, सूंघिए तो सफर है ये कितना हसीन। आइए आपको, और मुलाजा फरमा लीजिए। है बिछाती फिजा सामिया कहकशा, लेके फैजो समीर आए हैं गुलशता। है बिछाती प्रदा सामिया कहकशा, लेके पैदो समीर आए हैं गुलशता। कहकहों से तो इनके मजाजिस्त का, कहकहों से तो इनके मजाजिस्त का, लीजिए तो सफर है ये कितना हसीन। आइए आपको, और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं मैडम भैया। ऐसा लगता है फिर दोस्त सा है समा। अभी मुतरमा ने बताया फिर दोस्त के माने जन्नत की। ऐसा लगता है फिरदौस सा है समा,
और सारा गुलशन फराजाए लेकर यहाँ, सारा गुलशन फराजाए लेकर यहाँ। आज कुछ तो बस यही खास बात है, आज कुछ तो ये 50 साल के बाद, 50 साल के बाद ये सब बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए ये सबक है कि ऐसा लगता है फिरदौस सा है समा, सारा गुलशन फराज आए लेके यहाँ। आज कुछ तो निशात और मसूद से, आज कुछ तो निशात और मसूद से सीखिए तो सफर है ये कितना हसीन, सीखिए तो सफर है ये कितना हसीन। आइए आपको और मक्ता नजर कर रहा हूं, मसूद भाई मुलाजा फरमाइए, आज आधी सदी है मनाई गई, कल ये बच्चे बनाएंगे पूरी सदी, आज आधी सदी है मनाई गई, कल ये बच्चे मनाएंगे पूरी सदी। आज तो ऐ हसन सबकी खातिर दुआ, आज तो ऐ हसन सबकी खातिर दुआ, कीजिए तो सफर है ये कितना हसीन। आइए आपको आज बतलाए हम, जानिए तो सफर है ये कितना हसीन, खट्टे मीठे सफर का, खट्टे मीठे सफर का अजब लुत्फ है, सोचिए तो सफर है ये कितना। और मैं ये मसूद साहब और निशात मुकदमा को भेंट करना चाहता हूँ, और ये मेरे शायरी का मजमुआ है। आइए शाम की रौनक को बढ़ाया जाए, आइए शाम की रौनक को बढ़ाया जाए, फिर कोई गीत कोई साज सुनाया जाए, कुछ यादें कुछ फसाने कुछ जज्बात हैं, आप कह दें तो उन सभी को सजाया जाए। मैं अब सबसे घर की सबसे छोटी बच्ची को बुलाना चाहूंगी, जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगी और सुनाना चाहेंगी। थैंक यू। I love all those little things that you see and do. I walk through the park, a trip to the zoo. Oh, Grandma, Grandpa, I love you. Going to a ball game, fishing on the lake, eating grandma's cookies, boy, they sure taste great. Going to the circus, when it comes to town, eating cotton candy and laughing at the clowns. Oh, grandma, grandpa, you know that I love you. I love all those little things that you see and do. A hug and a kiss, a ride home from school. Oh, grandma, grandpa, I love you.
talking on the phone. Happy birthday presents, chocolate ice cream cones, photographs and memories, picnics and parades, saying that you love me in so many ways. Oh grandma, grandpa, you know that I love you. I love all those little things that you say and do. The stories you tell, things I never knew. Oh grandma, grandpa, I love you. Oh grandma, grandpa, I love you. अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी के साथ एक अलग रिश्ता होता है, चाहे वो उसको आप दोस्ती का रिश्ता कहें, एक अलग मोहब्बत होती है बच्चों में अपने दादा दादी नाना नानी के लिए। और उसी के मद्देनज़र वो लोग कुछ आज अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए तैयार करके लाए हैं, जो आप सबके सामने सुनाना चाहेंगे। समीर, सामिया, फिजा, वेलकम ऑन स्टेज। Treasure in the family. From the day they held us in their arms, we knew that their love for us will be unlimited. Grandparents are a delightful blend of laughter, caring deeds, wonderful stories, and love. Our grandfather's tiger stories are simply awesome, and our grandmother's delicious dishes are out of this world. Whether it's simply roast such as ghee, kulfi, or tandoori chicken. They made sure that our vacations at their home would be as memorable and joyous as possible. They would buy us anything just for a smile, but only their presence and happiness made our day. Their extreme care and love towards us makes them the best grandparents we could be blessed with. We have fond remembrance of playing Ludo and Carrom till midnight and chatting near a lantern during a stormy night. Moreover, they created a home where we grew up with care, love, joy and pleasure. So, on this auspicious day, we thank you all for these memories, for being there for us every time, for stopping our parents from scolding us, for filling our lives with so much love. May every child in every family be blessed with someone like you. May the next chapter of your life be even more memorable than the last. Thank you. Nanu Nani. Dada Dadi. Now I would like to present a small token of love from our side to our loving grandparents. For showing us the love is true. Thank you. This simple song is not enough. Thank you for loving us. Thank you for loving us.
आंखें हुस्न हुस्न है ताहरते नजर आज के शाम With such beautiful people around and such intoxicating summer, I am at a loss of words. So I'm calling Zulfiqar uncle to add fragments to his kalam. Thank you. चंद शेर हुए तो चार मिसरे पेश खिदमत है शेर है अब्बास है अकबर लश्कर में हर उम्र के हैदर है शब्बीर के लश्कर में हर उम्र के हैदर है और अब्बास में हैदर में पास में है दर में है फर्क फकत इतना ये बात है दरिया है वो बात है खैबर है एक कसीदे के चंद शेर सुनाई दे रहे हैं अली के नाम का चर्चा बहुत है अली के नाम का चर्चा बहुत है मुसलमान भी मगर पहरा बहुत है अली के नाम का चर्चा बहुत है मगर होती है जब हूरों की बातें मगर होती है जब हूरों की बातें यही बहरा है जो सुनता बहुत है है जो ओ खुदा कहते हुए डरता हूँ लेकिन अली पर नाम ये जचता बहुत है अली पर ओ शौरे सजदे शब्बीर हो तो खुदा को एक ही सजदा बहुत है खुदा को ओ नजर लग जाना असगर को मौला तुम्हारा लाडला हंसता बहुत है ओ फकीर
इस राज से वाकिफ है नैयर, अली के नाम पर मिलता बहुत है। अर्शों का बहुत लंबा ताल्लुक है। आप, मैं चाहूंगा आप लोग कुछ जो अपने ख्याल, अपने सेंटिमेंट्स, अपने इमोशंस जो डैडी और मम्मी के साथ रखते हैं और स्टेज पे आकर के पेश करना चाहते हैं, आपको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। चंदला साहब, आप खास तौर से इनवाइटेड हैं, लेकिन कोई भी जो कुछ अपने सेंटिमेंट्स, कुछ अपनी मेमोरीज, कुछ अपने इमोशंस इस मौके पर डैडी मम्मी के बारे में शेयर करना चाहता है, बिल्कुल आप इनवाइटेड है कि आए और स्टेज में हम लोग के सामने शेयर करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारे गुरुदेव काजमी साहब, श्रीमती काजमी, तदवीर हैं, मुंशा हैं, महाराज साहब और फिरदौस, आप सभी को, सारे परिवार को, सभी बच्चों को, जितने हमारे मेहमान हैं, बहुत बधाई है। आज काजमी साहब का 50th एनिवर्सरी है मेरे जी, सर मेरी पर्सनल आपके लिए दुआएं हैं कि खूब आपकी उम्र दराज हो, लंबी उम्र हो, लोगों के बीच में ऐसे आप हमारे होते जो है लगातार, पहले भी बहुत नहीं है और आगे भी करते रहिए। सर, काजमी साहब के बारे में क्या कह सकता हूँ, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि बहुत सम्मान और बहुत मोहब्बत मिली हमें काजमी साहब से, बहुत कम लोग होते जो ऐसे करते। और सर, हम तो कभी भी आपके कमरे में चले आते थे, थोड़ी सी राहत मिलती थी, क्योंकि क्लासरूम में जो है सब डांटते ही रहते थे, या तो हम सोते रहते थे और यहाँ डांट सोते, तो हमें से एक ही बात होती थी, साहब के पास आके पढ़ने की बड़ी राहत मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था। बहुत इन्वॉल्व थे, और आप IFS को कभी भी 19 या 20 नहीं, हमेशा 21 चाहते थे, ये हमने देखा। एक बार हमको अपने कमरे बुला लिया, कहने भाई पिछले साल करीब 30 या 40 साल से शायद हम लोग वो रस्सा कस्सी वाला नहीं जीते थे, कुछ ऐसा ही रहा होगा सर, काफी लंबे अरसे से वहां पे स्टेट फॉरेस्ट कॉलेज की और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की दोनों की ट्रेनिंग चलती थी, जब यहाँ पे आप हमारे गुर्दे पिछले 30-40 तीन चार डेकेड से स्टेट फॉरेस्ट वाले जी बड़े तगड़े थे, वो इंजरी से आते थे, बड़े मजबूत हुआ करते थे, IFS वाले जरा पढ़े लिखे ज्यादा होते थे इसलिए कम उसको कर पाते। खैर, साहब ने हमारे को रोज सुबह आधा घंटा और पहले बुलाया, पूरी बाकायदा ट्रेनिंग होती थी, बड़े लंबे चौड़े वो 6.5 फुट के एक नील करके कोई एक साउथ इंडियन हमारे एंकर हुआ करते थे साहब, और साहब खुद जो है आवाज दे दे कर हम लोगों को रस्सा कसी की ट्रेनिंग कराते थे। और सर, मैं समझता हूँ 35 या 40 साल के बाद हमने उस साल वो ट्रॉफी IFS की आपने जीती, तो इस तरह का इन्वॉल्वमेंट, इतना डेडिकेशन काजमी साहब कर रहा है, और निहायत खूबसूरत और हसीन आदमी तो थे ही, हम लोगों को यही बड़ा अच्छा लगता था साहब के सामने जाकर। तो हम लोग सभी सर आपके बहुत चाहने वाले हैं, बड़ा लंबा बैच था, 110 आदमी थे शायद, 115 आदमी थे, लेकिन सभी आपके मुरीद थे सर, बड़ी खुशी की बात है। आज बहुत ही बहुत अच्छा दिन है, और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझको यहाँ इन्वाइट किया सर इसमें शामिल होने के लिए, बल्कि मैं तो समझता हूँ यहाँ करके मेरा ओहदा और बढ़ गया है। थैंक यू वेरी मच सर, मैडम, थैंक यू वेरी मच इंडी, एंड मेक दिस गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, विनोद मेहता, हम काजमी साहब के सामने ही मेंबर हैं उनके। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, और फिर से एक बार पूरे काजमी परिवार को फिर से बधाई आज के इस शुभ अवसर पर। पिछले कई सालों से काजमी साहब के साथ जो संबंध है, एक बहुत ही आत्मीयता का संबंध है। जब भी काजमी साहब को देखता हूँ, अपने आप को खुश नसीब समझते हैं मैं और मेरा पूरा परिवार, कि आप जैसा संबंध, आपका जैसा नेबर किस्मत वालों को ही मिलता है। आपके अंदर जो अपनापन है, आप जैसे ही
एक कदम और एक निगाह हमारी तरफ देखते हैं तो अपने आप हाथ जोड़ जाते हैं आपके आदर में। आपने जिस तरीके से अपने परिवार की देखभाल करी और साथ ही में अपने पड़ोसियों को भी जिस परिवार की तरह से आपके अंदर फीलिंग है वह अपने आप में बहुत अनूठी है, काबिले तारीफ है। बस यही कहना चाहूंगा कि ऐसे ही आप हमेशा हम सबके बीच में रहिए, परिवार के साथ रहिए और ऐसे ही खुशियां बांटते रहिए हम सबके बीच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आगे भी कुछ अपना अपने ख्याल पेश करना चाहेंगे? मसूद अच्छा और सच्ची जान हॉस्पिटैलिटी अतिथि सत्कार या मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के आज की डेट में कोर्सेज चल रहे हैं और बच्चे कोर्स करते हैं और उसके बाद वो जॉब करते हैं। जो मसूद और रही है तनवीर और फिरदौस ने इतना अच्छा इंतजाम किया और जिनके सपोर्ट में मंशा और फराज रहे। थैंक यू फॉर सच ए ब्यूटीफुल वर्ड्स। खूबसूरत यादों का एहतराम करने और खुशगवार यादों की याद ताज़ा करने के लिए, गुजरे लम्हों से मुंसलिक रहने के लिए ये सालगिरह का दिन होता है। दुआ है मम्मी डैडी आप इस तरह मुस्तहकम रिश्ते की मोहब्बत और खुलूस से जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। Now we are heading towards the highlight of the evening. Let's celebrate this beautiful relationship with a cake cutting ceremony. But before that, a surprise. Let's strengthen the bond by your ring ceremony. Because the best thing to hold on to in life is each other. Mummy, Daddy, can we have you on stage, please? सर आता बात दीजिए बस।